देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर ये देखोगे आप, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर देखोगे आप, तो क्या प्रॉब्लम है, एक कहता है स्पीयर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी विद डिस्टेंस आर, मतलब ये मान लो ये कैपिटल आर है, तो यहाँ से जब मैं आर जा इनक्रीज करता हूँ, तो पोटेंशियल है जो फंक्शन ऑफ आर है, और ये जो पोटेंशियल है वो इनक्रीज हो रही है, और उसकी वैल्यू 2 a r का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट b, ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। वेयर ए बी कांस्टेंट, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन साइड द स्पीयर माइनस लैम्डा ए, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन साइड द स्पीयर, मतलब इस स्पीयर के अंदर जो चार्ज है, इस स्पीयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आप देखोगे, तो उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, आर डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन के इक्वल है। तो ये कहते हैं कि लैम्डा की कैलकुलेशन करो, तो चलो लैम्डा की कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर चले जाते हैं, ये कैपिटल आर था तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैं चला गया, ये वाला एस्पियर में ले लिया। तो इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv/dr, यहाँ से तो माइनस dv/dr की वैल्यू, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ 2 a r² प्लस पी के बराबर है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा आर के रिस्पेक्ट में, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 a r, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, तो आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिखेगी। तो अगर इस स्पीयर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, तो इसके अंदर जो चार्ज है उनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्रिएट होगा, ठीक है। बाकी जो बाहर वाले चार्ज है, ठीक है ना, वो ये जो अंदर वाले चार्ज है 4+ की, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ, चलो मान लेते हैं अंदर में चार्ज इस वाले में टोटल चार्ज है क्यू है, तो सरफेस पे पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ई, इस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 a आ गया, तो क्यू अपॉन 4π ε₀ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a r के इक्वल आ गया यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से क्यू को यहीं रहने दो, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4π, ठीक है ना, 4π r³/3, ये r को इधर लाया और -4 a और 3 से मल्टीप्लाई किया और एप्साइलिन को इधर ले गया, ठीक है। बात आ रहा समझ में, यहाँ एप्साइलिन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ एप्साइलिन लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये मटेरियल की परमीएबिलिटी यूज होगा, ना कि परमीएबिलिटी या फिर स्पेस यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एप्साइलिन, ठीक है, तो ये एप्साइलिन इधर, तो ये वाली जो चीज है वो चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही तो बनी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये -4 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और ए एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, और इसकी पूरे की पूरी वैल्यू यहाँ दे रखा था इन्होंने, ठीक है, माइनस इधर माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन का बराबर है -12 a एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को, माइनस ने माइनस को, ए ने ए को, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 यहाँ से आ जाएगा, और ये हमें निकालना था। तो ये जो खाली जगह है वो मुझे भरते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ से मैं 12 भर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।